सड़कों पर नजर आए तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, जब पिछली बार बाकी सारा टाउन का जो था वो हमने म्यूनसिपल काउंसिल आनंद ने आगे बात रखा था। तो आज जो रात को बर्फबारी हुई तो हम ऑलरेडी रेडी थे, और सुबह जब मुझे खुशी है आज, और मैं खुद सुबह से इलाके में हूँ, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि सुबह से पूरे 7 बजे से ही हमारा पूरा जो म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग का जो टीम है वो बिल्कुल सुबह से सड़कों पर है, और लोग जब आज 10 बजे घर से निकले सारे रोड खाली ओपन, मतलब स्नो उसके बाद जितने भी बाइक की तरह हो मैनुअली वहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद जो मेन हमारा यहाँ पर है और जहाँ बात जगह पर गया वहाँ पर बात यहाँ पर बाद में कि जितने भी लोग रास्ता जो है अभी है दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत है, कि यहाँ पर प्रॉपर एक लिस्ट बनाया गया है। उस लिस्ट में जो है देखा गया है कि जितने भी लोग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि साउथ कश्मीर से पूरा लोड है इस हॉस्पिटल में, चिनाब वैली से भी लोग आते हैं, कई सारे पेशेंट्स हैं बानहाल से है, शुपेन से है, कुलगाम से है, तो उन सारे पेशेंट्स का लिस्ट बनाया गया है, उनके लिए प्रॉपर खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं ज़ाती तौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग का मशहूर हूँ जिन्होंने इन सारी चीज़ों का कैटर किया हुआ है, और मैं यहाँ पर पूरे लोगों को यकीन दहानी दिलाता हूँ कि हम बिल्कुल रेडी है स्नो क्लियरेंस के लिए। अभी तक भी हमने क्लियर किया और हम राउंड द क्लॉक बिल्कुल अवेलेबल है, जो भी हमारा काम है चाहे मैनुअली है मशीनरी है, वी आर रेडी। शुक्रिया।